वो शर्ची के बच्चे डरा दिया तुमने मुझे यार, ये क्या हरकत है? हाँ यार, अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ, मेरे बच्चे कहाँ से होंगे? तुम यकीनन मेरे ख्याल में कोई भी होगी। वैसे नॉर्मल है, शादी से पहले अक्सर ऐसा हो ही जाता है। अच्छा, ये आपकी खुश फहमी है, मैं अपना म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। वाह, हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आए और आप यहाँ पर अपना म्यूजिक एंजॉय कर रही हैं, क्या बात है यार। तो इसमें कौन सी नई बात है यार, तुम तो हो ही फारिग, हर दिन यहाँ पे आ जाते हो। एक मिनट, क्या कहा फारिग? या मैं और आपा तुम्हारी शादी के ड्रेस लेने के लिए गए थे, मार्केट में ख्वार हो रहे हैं और तुम हमारी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर रही हो, क्या बात है यार। तुम मेरी शादी का ब्राइडल ड्रेस लेने गए थे? क्यों? क्या पुराने कपड़ों में शादी करोगी? नहीं ना, इसलिए ब्राइडल ड्रेस तो जरूरी था, तो मैं आपा को अपने साथ ले गया। यही मैं कह रही हूँ कि अपनी आपा को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी, शादी मेरी और तुम्हारी हो रही है ना, हमें साथ जाना चाहिए था यार। ओके, रिलैक्स, आपा की पसंद अच्छी है तो मैंने आपा से इंसिस्ट किया कि मेरे साथ चलें तुम्हारी शादी की ड्रेस लेने के लिए, तो मेरे साथ चली गई और यकीन करो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आई है वो। नहीं एक सेकंड, क्या मुझे शॉपिंग करना नहीं आती या मेरी चॉइस अच्छी नहीं है? नहीं बता दो। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें शॉपिंग करना नहीं आती? तुम्हारी चॉइस भी अच्छी है, लेकिन आपा की शायद हम दोनों से ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए। तुमने ना शर्जी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें ना मुझे साथ लेके जरूर जाना चाहिए था यार, ये मेरा कंप्लीटली हक था। अच्छा ज़ारा, रिलैक्स हो जाओ, प्लीज काम डाउन। सबसे पहले एक दफा चलो मेरे साथ चल के अपना ड्रेस देख लो, अगर पसंद आए तो उसके बाद कहना। प्लीज